कैसे ख्याल आया था ये कि यार चलो थोड़ा लोगों को हेल्प आउट करते हैं? फैसल भाई, बेसिकली मैं जब इंजर्ड हुआ था ना PSL के दौरान, तो उसके बाद फिर मैंने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, फिर मुझे बैक इंजरी हो गई उस टाइम पे। 2019 में हुआ था, 18 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर मेरी बैक की जब सर्जरी हुई, तो फिर मैं तकरीबन ऑलमोस्ट घर में ही बैठ गया था 2-3 महीने के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था रेस्ट करने का। और उसके कुछ अरसे के बाद ही जब 19 खत्म हो रहा था, तो फिर आपको याद होगा कोविड आ गया। कोविड आ गया, और कोविड जब आ गया बिल्कुल, और जब कोविड आ गया तो फिर जब हम नॉर्मली रमज़ान में अपने कुछ ऐसे खास रिश्तेदारों को या दोस्त अहबाबों को जो हम हेल्प आउट करते थे, उनके फ़ोन बहुत पहले से आना शुरू हो गए कि यार हम बड़े परेशान हैं, कोविड में काम नहीं चल रहा और रोज़ी नहीं मिल रही है, जी तो प्लीज़ कुछ कर दें जो रमज़ान से पहले आप करते। तो हम बस पैसे निकले नॉर्मली, जिस एरिया में मैं जाके हेल्प आउट करता था, जब मैं वहाँ पहुँचा और मैं राशन के बैग्स देने गया, तो एक लंबी कतार लग गई और सब ने आके मतलब एक ऐसा घेरा बना लिया कि यार हमें भी दे दें, हमारे पास भी मामला ठीक नहीं है। तो देन आई डिसाइड कि यार मैं अपने कुछ फ्रेंड सर्कल पे जाऊं और उनसे अप्रोच करूं कि यार आप लोग भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि हम कुछ मिलकर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। तो वो सिलसिला जब दोस्तों से चलना शुरू हुआ, तो फिर क्रिकेटर्स ने देखा, फिर आपकी माशाल्लाह शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ ने वो काम देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक होता ना कि अगर अल्लाह पाक ने हमें जो एक शोहरत और इज्जत दी हुई है, एक स्टार है, फेस है, तो उस पर लोग ट्रस्ट भी जल्दी कर लेते हैं। वेरी ट्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से माशाल्लाह इतना काम वो बड़ा हो गया कि करते करते माशाल्लाह हमने हज़ारों की तादाद में लोगों के घरों तक राशन पहुँचाए, और सहरी और अफ्तारी के टाइम पर लोगों के घरों पर सहरी और अफ्तारी पहुँचाई। सुभानअल्लाह। तो जब वो काम का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा सिलसिला बन गया कि आज 3 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारा मुसलसल चल रहा है माशाल्लाह से। और इनकी जो बात में एक काबिले गौर बात थी ना, वो ये थी कि घरों पे सहरी और अफ्तारी पहुंचाए। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा काबिले गौर बात थी, क्योंकि इस वक्त तो सड़कों पर जिस तरह से रश लगा के सहरी बांटी जा रही है, उसमें जो भगदड़ मच रही है वो बहुत तकलीफ दे है यार। बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई, जो रिसेंटली अभी एक हादसा हुआ है, जो मतलब कुछ चंद पैसों के लिए 18 जाने चली गई, तो आई थिंक कि ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुल्क में ऐसा वक्त भी आएगा। तो आई थिंक कि उस वक्त जो कोविड वाला टाइम था ना जी, उसमें तो एक सबसे बड़ी मजबूरी थी कि आप कोई ऐसी जगह पे कोई चीज लगा ही नहीं सकते थे कि जहां लोग कंबाइन होकर बैठ सके। बिल्कुल। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम लोगों को परेशान नहीं करते, लोग वैसे इतने परेशान है, अल्लाह का दिया हम लोगों के पास तो सब कुछ है, तो अपनी अपनी गाड़ियों में राशन डालते हैं और उनके घरों तक पहुंचाते हैं। रिक्वेस्टें मेरे पास बहुत आ रही थी, मेरे दोस्तों के पास बहुत आ रही। हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया था फेसबुक पे, ठीक है यार, हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान, ये हमारी मेन कोर है, इसको हमने एक पेज बनाकर जो भी रिक्वेस्ट आएगी इसको एंटरटेन करना, ठीक है। तो देन उसके बाद फिर ये चलता रहा, लेकिन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक जो भी हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड कराना, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन के तो फिर इतनी आवाम आपको नहीं सपोर्ट करेगी जो कि आपका अपना फ्रेंड सर्कल कर सकता है। अगर हमने इस काम को स्प्रेड करना था तो हमने रजिस्ट्रेशन करानी थी। उसके बाद पहली फुर्सत में मैंने रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन फिर एक टाइम आता ना जब आप कोई भी काम शुरू करें तो एक स्ट्रगल शुरू होती है सबसे पहले, उसके बाद आपको चीज़ें स्मूथली चलना शुरू होती हैं। तो फिर पैसे वैसे कम पड़ गए, उसके बाद फिर आपको शायद पता ही होगा कि फिर जब पैसे कम पड़े तो मैंने अपनी बहुत कीमती ऐसी यादगार क्रिकेट की चीज़ें वो मैंने ऑक्शन करी थ्रू सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, और उसके बाद जो भी पैसा आया उसका मैंने फिर राशन बनवाया, और जितना मैं कर सकता था और मेरी पूरी टीम कर सकती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।